Welcome to All is Foodie. Hope you all are doing well at your home. आज आपके लिए हम लेकर आए हैं समर की सबसे फेवरेट बच्चों की आइसक्रीम, जो कि बच्चे और बड़े सबको अच्छी लगती है। आपने स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बहुत खाई होंगी, लेकिन आज हम डिफरेंट लेकर आए हैं आपके लिए स्टफ्ड चोको नट्स आइसक्रीम। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने मैंगो लिया है, इसके अंदर से हमने गुठली निकाल ली है। गुठली को आपको बहुत ध्यान से निकालना होगा, साइड से इसको अच्छे से वो करके निकाल लेना है गुठली को। क्रीम एक हमने चॉकलेट ली है, ये है ड्रिंकिंग चॉकलेट, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप नहीं भी मिलाना चाहेंगे तो भी चलेगा। नट्स, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली आइसक्रीम है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना स्टफ्ड चोको नट आइसक्रीम। सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन में मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है और एक बाउल रखा है बीच में, इसको हम ऐसे सेट करेंगे। अब इसमें हम चॉकलेट के पीसेस ऐड करेंगे इसको मेल्ट करने के लिए। मैंने पहले भी आपको केक वाली रेसिपी बताई थी, लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताया था कि कैसे चॉकलेट को मेल्ट किया जाता है, तो आज वो रेसिपी भी आप देख लीजिए कि चॉकलेट को कैसे मेल्ट किया जाता है। हमारी वीडियोस में हम कुछ भी एडिट नहीं करते हैं, जैसा कि बेसिक बनता है वैसे ही आपके सामने वीडियोस आती हैं। यानी एक पॉकेट पूरा बड़ा पैकेट जो मैंने लिया था उसको ऐड कर लिया है। देखिए ये बड़ा चॉकलेट का पैकेट है, ये हमने ऐड किया है। इसमें हम 2 स्टफ्ड चॉकलेट मैंगो नट्स आइसक्रीम बनाएंगे। अब हम इसको मेल्ट करेंगे। ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम क्रीम ऐड नहीं करेंगे इसमें तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगी बाद में आइसक्रीम में जाकर, ये सॉफ्ट रहे इसलिए हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और उसके साथ ऐड करेंगे ड्रिंकिंग चॉकलेट जो मेरे पास है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको ना भी डालेंगे तो भी चलेगा। मेरे पास है तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं ड्रिंकिंग चॉकलेट, ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है, इससे कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको भी मिक्स करेंगे। आपको चॉकलेट मेल्ट करते हुए ध्यान रखना होगा कि गैस बहुत ही बिल्कुल सिम रखना है, अगर आप तेज रखेंगे तो चॉकलेट जो है वो जल जाएगी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने 8 से 10 काजू, 5 से 6 पिस्ता, 7 से 8 किशमिश और अखरोट लिए हैं, इनको कट कर लिया है। और इसमें आपको मीठा मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चॉकलेट और ड्रिंकिंग चॉकलेट से ही वैसे ही मीठा हो जाता है। और आप जो चॉकलेट है वो किसी भी प्लास्टिक या कंच के बाउल से मेल्ट कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्लोली स्लोली। ये हमने इसको फिल कर लिया है चॉकलेट से और अब हम इसको ऐसे कवर करके फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 5 घंटे। ये हम इसको सेट करने के लिए रख रहे हैं 5 घंटे के लिए कम से कम इसको हमें रखना होगा। और हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। आइए अब हम चेक करते हैं हमारी आइसक्रीम सेट हो गई है, 5 घंटे हो गए हैं इसको, अब चेक कर लेते हैं कि सेट हो गई है।
अब हम इसको नाइफ की हेल्प से धीरे धीरे गिलास से निकालेंगे। अब हम इसको पील करेंगे। और हमें इसको अच्छे से पील करना है। अब हम इसको कट करेंगे पीसेस में। शार्प नाइफ होना चाहिए हमारा। ये देखिए हमारी स्टफ्ड मैंगो चॉकलेट नट्स आइसक्रीम बनकर तैयार है। मैं आपको इसकी फाइनल प्लेटिंग करके अभी दिखाती हूँ। ये हमने फाइनल प्लेटिंग कर ली है। हमारी स्टफ्ड मैंगो चॉकलेट नट्स आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम इसको हल्का गार्निश करेंगे टूटी फ्रूटी से। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। आपने स्टफ्ड मैंगो कुल्फी बहुत खाई होगी, लेकिन चॉकलेट के साथ इसको स्टफ करके आप ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। होप यू लाइक दिस रेसिपी। थैंक यू। जो कि